हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माय सेल्फ सुरम चौहान। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को लेकर के काफ़ी सारे लेक्चर हम पहले ही बना चुके हैं, और अगर आप इससे पहले कुछ लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में उसकी प्लेलिस्ट का मैं जो लिंक है वो डाल दूँगी। आप वहाँ से जा करके सीधे चेकआउट कर सकते हैं, सीधे आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या फिर आपकी मर्ज़ी आप पूरे पूरे जो चैनल है उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्विट्जरलैंड को लेकर के, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ड्यूटीज़ की बात करें, या फिर जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है स्विट्जरलैंड का, उसके बारे में भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर हमने बनाए हुए हैं, जा करके चेकआउट करो। और इसके अलावा आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन ज़रूर करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ टेलीग्राम पे अपडेट या कोई भी क्वीज या कोई भी कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम जो पेपर्स होते हैं या कोई क्वेश्चंस होते हैं, लगातार हम वो भी डालते रहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं जो आप टेलीग्राम के ज़रिए आप अपना ले सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सभी जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, तो जाकर के चेकआउट करो, फॉलो करो। और तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, यानी कि जो संघीय व्यवस्था है स्विट्जरलैंड की, उसकी यानी कि जो फेडरल सिस्टम है उसमें किस थिंकर ने किस तरीके से उसको थोड़ा सा डिफाइन किया है। तो बहुत सारे थिंकर रहे हैं, लेकिन हम कुछ एक ही थिंकर की आपको बताएंगे यहाँ पे। तो हम बात करेंगे ब्रुक्स की। तो उन्होंने कहा है कि स्विट्जरलैंड की एक संघीय शासन व्यवस्था है, और मूल रूप से है जर्मन साम्राज्य अमेरिका के संघ जैसी है, यानी कि उन्होंने सिमिलर बताया कि इसके जैसा, अमेरिका के जैसा और जर्मन साम्राज्य के जैसा। वैसे तो इंक्लूड यहाँ पे इंडिया के जैसा भी हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ का जो फेडरल सिस्टम है कहीं ना कहीं इंडिया से भी रिलेट करता है। तो यहाँ पे ब्रॉक्स ने क्या कहा कि स्विट्जरलैंड इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट एंड दिस इज़ अ फंडामेंटली सिमिलर टू जर्मन एम्पायर एंड द अमेरिकन फेडरेशन। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा सिमिलैरिटीज बताई हैं। तो यहीं से आपको बहुत सारे आइडिया जो है, अगर आपने पहले से इंडिया के बारे में या आपने जर्मन के बारे में, अमेरिका में कुछ ऐसे फीचर्स पढ़े होंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्विट्जरलैंड को ही पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा नया नया होगा। और इससे पहले अगर आप देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने हर एक लेक्चर में बताया कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करो। तो अगर आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसे कंट्री के बारे में, सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, तो बहुत हद तक आप उससे उसको, मतलब एक तरीके से जो डिफरेंस है वो भी पता लगेगा, और काफ़ी सारे आपको नॉलेज भी होगी, ठीक है। प्रॉब्लम्स नहीं होंगी चीज़ों को लेकर के, टॉपिक को लेकर के, या किसी भी वर्ड या लैंग्वेज के जो स्टाइल होता है उसको लेकर के। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड और के क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो बहुत ही छोटा सा स्टेट है ना, एक राज्य है। और आपको बता दें, यहाँ पे राज्य की जो परिभाषा हम देते हैं, जो डेफिनेशंस देते हैं पॉलिटिकल के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, वो पूरे कंट्री के लिए दी जाती है, ना कि यूपी, एमपी या महाराष्ट्र या गोवा, है ना, इनके लिए। तो ये तो प्रोविंस है आपकी। इतना आपको याद रखना चाहिए कि आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपकी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और तो सबसे छोटा राज्य है, तो स्विट्जरलैंड क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो काफ़ी छोटा राज्य है। लेकिन यह छोटा सा राज्य विविधताओं से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण है, यानी कि जो विविध हैं, विविधता का मतलब है यहाँ पर रिलीजन्स, कास्ट, यानी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि इंग्लैंड की बात करें, यूएसए की बात करें, है ना, मिक्सअप आपको वहाँ पर कल्चर मिल जाएगा, यानी कि मिक्सअप वहाँ पे लोग आपको मिल जाएंगे। एक ही रिलीजन्स को फॉलो करने वाले नहीं मिलेंगे, कि एक ही एक तरफा लोग मिल रहे हैं आपको, वहाँ पे अलग अलग लोग मिल जाएंगे। तो यही तो विविधता होती है, जैसे आपने जोग्राफिकल कंडीशन में, इन्वायरमेंट में आपने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी होगी, तो उसका मतलब क्या होता है, एक किसी भी वनस्पति की जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, यानी कि अनलिमिटेड स्पीसीज होती हैं, तो उसी हम डाइवर्सिटी कहते हैं, विविधता, यानी कि एक से अधिक। जिस तरीके से यूएसए में, इंडिया में और रशिया में जो फेडरल सिस्टम है इसको अपनाया गया, ठीक उसी तरीके से स्विट्जरलैंड में भी वैसा का वैसे ही एज इट इज़ ही अपनाया जाता है। देखिए, जब भी कोई भी जो देश होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करता है ना, बनाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ वो विदेशी स्रोतों से लेता है, यानी कि जो अब्रॉड की होती है, जो उसके आसपास के कंट्री होते हैं ना, जो पहले से ही डेमोक्रेसी है, किसी भी ऐसे सिस्टम को जो वो अपनाना चाहता है उससे पहले से ही वो एग्जिस्ट करते हैं, और तो उसमें काफ़ी सारे वैल्यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने सिस्टम में उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया के संविधान में हुआ है, हमारा भारत का संविधान भी तो कुछ इसी तरीके से बना हुआ ना, कि हमने रूल ऑफ लॉ को ब्रिटेन से लिया है, न्यायपालिका का जो
रिसोर्सेज को हमने यूएसए से लिया है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो इसी तरीके से स्विट्जरलैंड ने भी काफ़ी सारी चीज़ें अमेरिका जैसी भारत जैसी रखी, जिसमें से फेडरल सिस्टम एक है। और अब यहाँ पे बात करते हैं इसके पॉइंट्स से, हम इसको क्लियर आउट करते हैं कि क्यों इसके फेडरल सिस्टम को इतना ज़्यादा मजबूत और इतना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण बोला गया, क्यों हम इसको सिमिलर बोलते हैं, क्यों इतना ज़्यादा मतलब मिला जुला बोलते हैं। तो सबसे पहले कि लिखित और कठोर संविधान, देखिए ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, यानी कि अगर आपने भारतीय संविधान के बारे में स्टडी किया है, पढ़ा है, तो आपने ये वर्ड तो ना जाने कितनी बार उसमें पढ़ा होगा कि लिखित और कठोर संविधान। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की, तो भारत के साथ भारत की तरह ही इसमें भी सिमिलैरिटीज़ हैं, इसके पॉइंट से भी क्लियर आउट हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता आपकी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप यहीं से समझ गए होंगे कि जो स्विट्जरलैंड के संघीय शासन है, यानी कि जो उसका इंक्लूड अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें तो उसका क्या है, वो लिखित और कठोर संविधान है, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो संघीय शासन का प्रथम तत्व जो पहला जो एलिमेंट है वो है लिखित और कठोर संविधान होता है, जिसमें जो केंद्रीय सरकार होती है और उनकी जो इकाइयाँ होती हैं, जो उनकी यूनिट होती हैं, उनकी सरकारें अपने अपनी सीमाओं में बनी रहें और दोनों में से किसी सत्ता के द्वारा अकेले ही संविधान में मनमाना परिवर्तन न किया जा सके। तो स्विट्जरलैंड में ऐसे लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे यानी कि हर एक यूनिट पे, हर एक जो मतलब वहाँ पे जो इकाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, एक दूसरे के कंट्रोल में रहती हैं। तो कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाता है, जो जाने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने की बहुत सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर की गई हैं, यही कुछ हमारे इंडिया में भी है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं शक्तियों का विभाजन, डिवीज़न ऑफ पावर्स। तो संघीय शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। और स्पेशल यहाँ पे अगर हम विशेष बात की बात करें तो ये दोनों पक्ष अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। तो अगर हम शक्तियों के विभाजन की बात करें, डिवीज़न ऑफ पावर की बात करें, है ना, कि पावर कहाँ से मिलती है, किसी भी कंट्री को पावर कहाँ से मिलती है जो उसको एक तरीके से सबसे सुप्रीम बनाती है, तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिलती है। अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो कंट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और फिर डिपेंड करता है वहाँ के जो सिटीजन है वो किस तरह के हैबिचुअल रखते हैं, किस तरह के वो मतलब सिस्टम में रहना पसंद करते हैं, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं उस कंट्री पर। तो स्विट्जरलैंड की खास बात यह है कि डिवीज़न ऑफ पावर जो है वो उन्होंने अपने संविधान से ली गई है, और संविधान ने ही उसको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो संघीय शासन का तीसरा जो एलिमेंट है वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता का तात्पर्य क्या है, यानी कि मीनिंग्स, अगर की मीनिंग्स की हम बात करें तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा और उसकी व्यवस्था करने के लिए कार्य करेगी, और यदि संघ और इकाइयों की ओर से अपने कार्यों और कानून या संविधान की अवहेलना की जाती है तो वह संघ इकाइयों के ऐसे कानूनों को जो कि संविधान के विरुद्ध हैं अवैध घोषित कर सकती है। तो इसी तरीके से न्यायालय काम करता है। नॉर्मली इसी लेवल पर हम उसको सुपरमैसी की हमने उसे पोजीशन दी है कि हमारे संविधान की रक्षा कौन करेगा, न्यायालय करेगा, और यही कुछ हमारे भारत में भी इसी तरह की व्यवस्था है, है ना। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब हम पहले से ही अपने देश के संविधान की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ यूनिट इन अपर चैम्बर। तो संघात्मकता का एक सहायक जो एलिमेंट्स है वो यह है कि संघीय व्यवस्था, यानी कि जो फेडरल सिस्टम है, ये जो फेडरल लेजिस्लेटिव है, उसके उच्च सदन में संघ की छोटी छोटी सभी इकाइयों को बिल्कुल इक्वल प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, है ना। तो स्विट्जरलैंड में संघात्मकता के इस तत्व को अपनाते हुए संघीय संसद, यानी कि जो व्यवस्थापिका जहाँ पे कानून बनते हैं, उसके द्वितीय सदन यानी कि सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो ये इस कंट्री की खास बात है, क्योंकि समान प्रतिनिधित्व कहीं पर भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आपको स्विट्जरलैंड में जो वहाँ पे सीनेट है वहाँ पे समान प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा, जबकि यूएसए में इस तरह का प्रतिनिधित्व बहुत कम मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ द यूनिट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो संघीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया, यानी कि जब भी कोई भी संविधान में कुछ भी ऐसा अमेंडमेंट होता है, उसका जो प्रोसेस होता है उसमें इकाइयों को उचित अधिकार दिया गया, यानी कि जो उसकी यूनिट्स हैं, और तथा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इकाइयों की अवहेलना करके, यानी कि अगर उनको कोई एक तरीके से फिनिश करने की, अबॉलिश करने की कोशिश करता है, तो संविधान में संशोधन ना किया जा सके, है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें ये स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है कि अगर कोई भी ऐसे ही उठा करके उनको अमेंडमेंट करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी बहुत सारा प्रोसेस है, वो एक स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट करना होता है, ठीक है। तो संविधान में संघीय व्यवस्था के इस तथ्य को अपनाया गया है।
तो संशोधन संविधान, तो अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ पर भी अमेंडमेंट ऐसे ही नहीं होते कि हवा में ही अमेंडमेंट हो गए। भले ही वो कंट्री बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन वहाँ पे अमेंडमेंट भी इंडिया की तरह ही बहुत ही क्रिटिकल तरीके से होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तिहरी नागरिकता, ट्राइबल सिटीजनशिप। आपने सुनी होगी एक कैरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, जो कि यूएसए में कैरी है, जो कि हमारे इंडिया में है। अब जो स्विट्जरलैंड है उसकी तिहरी नागरिकता है। शायद ही आपके वेरी शॉर्ट में आपके क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, अगर अच्छा सा एग्जामिनर आपका पेपर बनाता है तो इस तरह के क्वेश्चंस निकाल देता है कि ट्राइबल सिटीजनशिप कहाँ है, तो आपको बताना होगा स्विट्जरलैंड में। वो कैसे देखे, ऐसा समझा जाता है कि संघीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, पहले तो संघ की नागरिकता और दूसरी राज्य की नागरिकता, यानी कि एक वो जो उसके वो कंट्री है उसकी नागरिकता भी होनी चाहिए और उस कंट्री में जहाँ रहता है उसकी अलग से नागरिकता हो। तो इस तरीके की जो नागरिकता होती है वो दोहरी नागरिकता कही जाती है, और ये यूएसए में मिलती है नागरिकों को, है ना। ये तो पूरी यूएसए की मिलती है, दूसरी किसकी मिलती है, जहाँ वो रहता है, यानी अगर वो वॉशिंगटन में रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, कहीं पर भी रहता है वहाँ की। तो स्विट्जरलैंड संघ की इस रस्सी से एक कदम आगे है, वहाँ प्रत्येक नागरिक के लिए तीन तीन नागरिकताओं की व्यवस्था है, म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और स्विस संघ की नागरिकता। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्विट्जरलैंड में जो तीन नागरिकता उन्होंने दी गई है नागरिकों को, वो तीन तरीके से कैसे दी गई, कि म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता है, कैंटन की नागरिकता है और स्विस संघ की नागरिकता है। तो नवीन संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के से प्रत्येक निवासी को जिसे म्यूनिसिपैलिटी और कैंटन की नागरिकता प्राप्त है तो स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी, यानी कि वो दो नागरिकता फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है। अगर वो है तो स्विट्जरलैंड की नागरिकता ऑटोमेटिकली उसको दे दी जाएगी। तो नागरिकता प्राप्ति का क्रम जो है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले सबसे पहले क्या आएगा, म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता आएगी, फिर उसके बाद कैंटन की नागरिकता आएगी और ठीक उसके बाद आएगी स्विस संघ की नागरिकता। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर वो अपनी नागरिकता को डिवाइड करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस तरीके से उन्होंने नागरिकता को बताया। सो गाइस, ये था पूरा का पूरा लेक्चर आपका जो फेडरल सिस्टम को लेकर के बना था। आई थिंक सो ये क्लियर आउट हो गया होगा, और ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए अगर आपने इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर को पहले से स्टडी किया है। आई थिंक सो ये समझ में आया होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक पॉइंट है जो नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइए। कमेंट्स ओपन है, ऐसा कुछ नहीं कि आप पूछ नहीं सकती। आप जब तक नहीं पूछेंगे तब तक आपकी नॉलेज इंक्रीज नहीं होगी, तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप क्वेश्चन पूछिए, आंसर देने वाले हैं हमें। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना बनता है, उसके बाद अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।